लग रहा है कि इस बार पूरा पूरा चांस है कि नया एक चैंपियन सीजन 5 में नजर आएगा। विकेट बहुत बढ़िया, सुबह से तारीफ कर रहे हैं इस विकेट की। सुनील शेट्टी वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ मुंबई हीरो, सोहेल ओनर, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ इंटेंट, लॉट ऑफ कन्विक्शन इन दिस टीम। नो मैटर व्हाट हैपेंस दे हैव ऑलवेज बीन देयर, हमेशा हर मैच में मौजूद रहते हैं। सुनील शेट्टी खेलते भी रहे और पिछले मैच में भी हमने देखा था स्टार्ट बहुत सेडेट थी, धीमी थी, पर बाद में टेम्पो जो बना और यहाँ पे गेंदबाजों को मौका है इस पिच में, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक नहीं है। बॉल सीम हो रहा है पिच करके, बाउंस अच्छा है तो मुंबई हीरोज के लिए एक बुरी खबर, अपूर्व लाखिया उनके खास खिलाड़ी के वो इंडिस्पोज्ड है, कल बीमार पड़ गए तो आज का मैच नहीं खेल पा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। और सीधा हाथ में बड़ा विकेट समीर कोचर, टाइम पहला विकेट बहुत जल्दी खो दिया है और क्या बढ़िया गेंद, क्या चकमा दिया, स्विंग मिलती हुई, कंडीशंस का पूरा लाभ उठा रहे रघु। दिलीप वेंसाकर भी जुड़े हुए हैं टेलुगु वॉरियर्स की टीम के साथ, काफी खुश होंगे जो स्टार्ट अभी तक मिला है उनकी टीम को। द कर्नल टीम से जुड़ के कमाल दिखा दिया, क्या बढ़िया गेंद थी राजा भेरवानी। 18 मैचेस 442 रन, रुक के खेलना होगा, ये वैसी पिच नहीं है कि आते ही उड़ा दोगे आप। नया गेंद है, बाउंस अच्छा है, शाम का ठंडा वातावरण है और साथ में इतना सपोर्ट है गेंदबाज के पास। सोने पे सुहागा पहले ओवर में 10,000 रुपीज फॉर ईच सिक्स अनाउंस्ड टुडे एज वेल, टेल यू मोर अबाउट इट। और एक खबर बताएं, कल जो फाइनल है वो 3 बजे खेला जाएगा, द बिग फाइनल इसी मैदान में। चेन्नई राइनोस आर सिटिंग प्रिटी ऑन वन साइड और मुंबई हीरोज या तेलुगु वॉरियर्स, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। वही लाइन परेशानी बरकरार है, देखिए समस्या है रन आसानी से नहीं आ रहे और यहाँ पे गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। मतलब शुरू से अगर आप देखें, रघु ने दबाव डाला है, एक तरफ से प्रिंस को नई गेंद सौंपी गई, उन्होंने अच्छा कार्य किया, जब सम्राट आए हैं वो भी रन नहीं दे रहे, तो अभी तक ये 5 ओवर चल रहा है और मात्र 15 रन बनाए हैं मुंबई हीरोज ने, ये पावर प्ले है। आमतौर पर आप लाभ उठाना चाहते हैं, ये पावर प्ले है। सुहेल खान के साथ जो कि टीम ओनर उनकी बहन भी मुकाबला देखने के लिए आई है। तो मैच से पहले जब साइड के विकेट पे गेंदबाजी रहती है तो जोर जोर से गेंदबाजी कर रहे थे सारे और मैच आते ही बिल्कुल दबे हुए कदमों से धीमी धीमी विकेट के बीच में। होम ग्राउंड है, होम सपोर्ट है और ब्रांड एम्बेसडर्स की भरमार है, चार्मी कौर। यहाँ की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है चार्मी और पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है अपनी टीम को, जैसे ही बड़े स्क्रीन पे आ रही है एकदम वही आवाज, वही शोर सुनने को मिल रहा है, देखिए किस प्रकार प्रोत्साहन दे रही है। कुछ अलग करना होगा यहाँ पे मुंबई हीरोज को, आप थोड़ा बांध के रखा है, थोड़ा शैकल्स तोड़ने होंगे, बड़े शॉट खेलने होंगे, हालांकि आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए थोड़ा जोखिम भी उठाना होगा और फलस्वरूप कई बार आप अपनी विकेट भी आप गंवा सकते हैं। फिर से बढ़िया गेंद पर इस बार बल्ले का मुंह खोला, एक रन मिलेगा, 5 ओवर की समाप्ति 16-1। और मुंबई जैसी टीम को 5 ओवर बाद बैक फुट में धकेल कर रखा है, एक विकेट भी चटकाया था।
ये बड़ा फाइनल है जिसके बारे में अब लगातार हम बता रहे हैं आपको, कल खेला जाएगा शाम को 3 बजे इसी मैदान पे, जो कि लाइव रहेगा हैदराबाद से। चेन्नई राइनोज पहले ही प्रवेश कर चुकी है, तो अब इंतजार कर रही है कि अब दूसरी टीम कौन सी रहती है। सुहेल खान थोड़े से चिंतित नजर आते हुए, क्यों नहीं, अरे थोड़े काफी, बहुत ज्यादा इनफैक्ट मैं मानता हूँ, बहुत ज्यादा चिंतित है। 5 ओवर हो चुके हैं और केवल 17 रन बने हैं। पहला विकेट कवाया था समीर कोचर के रूप में, 0 पर आउट हुए थे समीर। और यहाँ पर रन बनाने की जरूरत, तेजी से रन बनाने पड़ेंगे, अब कम से कम 160-170 बनाने ही पड़ेंगे, कैसे बनाएंगे। और अब चलते हैं बाउंड्री लाइन के पास गेल इनके साथ। From the Mumbai, I have with me Saqib Saleem, जो अभी अभी तैयार हो रहे हैं। Saqib Saleem, sorry, my bad. Saqib Saleem, जो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, almost तैयार हो चुके हैं, but we hope that you don't have to go anytime soon. I also hope that. I hope Aftab and Raja play throughout the 20 overs. We want to score, post a score of somewhere close to 180-190. And if they bat through, I think we'll be through. All right. Not a very good start, but you think that you guys can make it to tomorrow? Of course, yes. There's no doubt about it. It's been a watchful start. That's been, there you go. It's been a watchful start, so it's good. I think we are waiting for our strikers to come in and explode. So I think if we give them about 8 overs and give them a good total on the board, we should be through. All right. Have you particularly prepared yourself in any way to go out there and play today? No, I don't think too much. I don't try to plan things. I just go there, try and watch the ball as closely as I can and just go with the flow. That's about it. Pretty That's much. Your strategy. Yeah. All right. Locker room ka discussion, kuch hume chatpati khabre de dijiye, andar ki scoops. Aisa koi scoop nahi hai. Mumbai Heroes to aisi team hai, jo bhi karti hai, sabke samne hum karte hai. So there are no inside scoops in our team. So jo hai, wo field pe hai, aapke samne. All right. Now we'll say the truth, Saqib. This is the truth, Gilles. That is the truth, unfortunately. All right. All the very best. Thank Let's you. Hope that you make it to tomorrow. We'll win. I Inshallah. Definitely want you guys to make it to tomorrow. Shouldn't be saying this out loud, but yes, I do. All the very best. We have Galen's support, so we will go through to the final. Jai Mumbai yes. Heroes! Jai Mumbai Heroes! Jai Mumbai Heroes! Ji ha, on that note, thank you very much. And we hope you don't have to go back there. Thank you. Over to commentary. वहाँ पे काफी जोश, काफी ऊर्जा नजर आ रही थी और दोनों काफी प्रेरित नजर आ रहे थे। पर अगर साकिब सलीम की बात करें देवांग, उनकी दो बहुत बेहतरीन फिल्म्स आई है, बॉम्बे टॉकीज और मेरे डैड की मारुति, जिसमें उन्होंने बढ़िया अदाकारी करी है, बढ़िया एक्टिंग करी है और कमाल दिखाया है फील्ड में भी। बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं, बल्ले से भी अच्छे कारनामे किए हैं। सबसे बढ़िया बात है बहुत फिट है और अगर इसी प्रकार स्ट्रोक्स खेलेंगे राजा तो औसत में जरूर बढ़ावा होगा और इसी की दरकार थी मुंबई हीरोज को। राजा ने बहुत ही राजकीय तरीके से ये शॉट खेला है, छोटी गेंद थी और देखिए किस अंदाज में फुल शॉट जमाया है। बहुत ही छोटी गेंद थी और कलाइयों का भी भरपूर प्रयोग किया, जोर से मारा इसे। हमने वो इंटरव्यू में देखा, दोनों ही तेलुगु वॉरियर्स के सपोर्टर्स आए हैं, घरेलू मैच है, उनका समर्थन मिल रहा है और ये बहुत ही उत्साहित करता है, आपको प्रेरित करता है कि आप और भी बेहतर प्रदर्शन करें। देखिए इस मैच के लिए खचाखच भरा हुआ है ये मैदान। आपने सपोर्ट की बात की, देखिए ये एक तरफा नजर आ रहा है क्योंकि आपको ज्यादा लाल झंडे नजर आएंगे और इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तेलुगु वॉरियर्स के झंडे बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो मैच है वो इवनली पॉइज्ड नहीं।